तो आज हमारी पैथन की इंट्रो क्लास है। हम पैथन की कोई टॉपिक नहीं करने वाले हैं, हम आपके साथ बात करेंगे कि हम पैथन में क्या क्या करेंगे, अगले 35 डेज में हम क्या क्या करेंगे, ये हम आज की क्लास में आपको बताएं। नीरव गांधी जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कीजिए। ओके, तो आज हम बताएंगे क्या क्या हम आपको कराएंगे। सबसे पहले हम कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। कोर्स क्या है? तो बेसिकली जो मैं पैथन सिखा रहा हूँ, ये पैथन फॉर डेटा एनालिसिस के लिए होगा, और मेरा मेन फोकस जो होगा वो पैथन के कोर पैथन पे होगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक कोर पैथन आपका सही नहीं होगा, तब तक कोई मॉड्यूल आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ओके, सो कोर पैथन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। जब कोर पैथन हो जाती है तो बाकी जो चीजें हैं वो आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा है, दो सेक्शन में क्लासेज होगा। सेक्शन 1 जिसमें हम बात करेंगे कोर पैथन में, जो मेजरली जो आपका 20 से 25 दिन का जो टाइम लेगा आपका यही लेगा, जिसमें हम पैथन के सारे चीजें से की के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सारे। और इसमें हम करीब 100 के आसपास छोटे बेसिक छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं वो बनाएंगे, जिससे पैथन की पूरी कंपोनेंट को आप अच्छे से समझ जाए। देन इसके बाद हम इसकी लाइब्रेरीज का यूज करेंगे, जिसमें हम पांडाज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसके बाद हम पांडाज का इस्तेमाल करेंगे पैथन के लिए। पांडाज के अलावा जो है आपका नंपी बाई, स्काईफाई, मैटलिफ, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ, अब इसमें ये डिटेल में नहीं जाएगा कि पावर बीआई के अंदर डेटा विजुलाइजेशन, पावर बीआई के अंदर या एक्सेल के साथ हम पैथन के क्या इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजरली जो आपका होगा वो आपका कोर पैथन होगा। कोर पैथन पे अगर कमांड हो गया तो बाकी चीजें तो आप इजिली कर सकते हैं या इजिली सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। क्लासेस डेली आपको तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे की होगी, कोई भी क्लास हो सकता है 40 मिनट की भी हो। तो क्लास की ड्यूरेशन डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, आपने भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चंस के ऊपर, और साथ में डिपेंड करेगा आपके पढ़ने के डिजाइन में। लेकिन कभी कभी क्लासेस एवरेज समझिए कि 1 घंटे के आसपास आपका रहेगा। ये 35 डेज है, अभी 35 डेज भी हमारा एवरेज है। ये मे बी आपका 30 डेज भी चल सकता है, 33, 35, 37, 40 तक जा सकता है। तो 35 इसका भी एवरेज है, क्योंकि मैं कोई टेप रिकॉर्डर तो हूं नहीं कि मैं स्टार्ट से एंड फिक्स लेंथ पे बजूंगा। किसी दिन ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, किसी दिन स्लो पढ़ा सकता हूँ, किसी दिन फास्ट पढ़ा सकता हूँ, तो किसी दिन छुट्टियां भी हो सकती है। इसलिए जो है ड्यूरेशन जो है मेरा एवरेज होता है। तो चलिए पैथन को सीखने से पहले कुछ कुछ चीजों के बारे में ध्यान रख लें। सबसे पहले कि पीसी आपका खुद का होना चाहिए, आपकी ऑफिस पीसी वगैरह पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे 2-3 सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके पास सिस्टम की फुल एक्सेस होना चाहिए। ऑफिस के सिस्टम में एडमिन वगैरह का झमेला होता है, इसमें फुल एक्सेस नहीं होता है, इसलिए हम ऑफिस के पीसी पे करने के लिए सलाह नहीं देंगे। अब दूसरी चीज होती है कि पीसी कैसा होना चाहिए। देखिए, पीसी i3 भी होना होगा चलेगा, रैम 8 से 16 GB रखिएगा, रैम तो ठीक रहेगा। हालांकि उससे कम पे भी पैथन वर्क कर जाएगा, लेकिन फिर वो स्लो चलेगा, प्रोग्राम रन करते समय काफी टाइम कंज्यूम करेगा, तो लर्निंग के समय अगर इस तरह से प्रॉब्लम होगा तो आपका लय जो टूट सकता है, आपका जो एग्रेशन है वो कम हो सकता है, इसलिए पीसी को भी आप ठीक ठाक रखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पैथन आखिर है क्या। पैथन है क्या? अब इसकी बेसिक जो एकेडमिक इतिहास होता है उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन गूगल पे आप यहाँ सिंपल सा टाइप कीजिए व्हाट इज द पैथन, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक आंसर आएगा कि पैथन इज एन इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनेमिक, क्या लिखा हुआ है, सिमेटिक्स। एंड ये जो है पाए तो सिंपल से बात समझिए कि एक तो सीखने में आसान है,
यूज करने में आसान है, इसके लिए कुछ पे नहीं करना आपको, मतलब कि मुझे तो पे करना है, आपने कर ही दिया है, आपको पैथन को पे नहीं करना। जैसे आप मान लीजिए डॉट नेट लेते हैं या फिर आप विजुअल स्टूडियो लेते हैं, ऐसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बाय करना पड़ता है, बट यहाँ कुछ बाय बाय करने का झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसके देख लीजिए डॉट ओआरजी लगा है, क्या लगा है? डॉट पाइथन डॉट ओआरजी, और मोस्टली ओआरजी उसी में लगा जाता है जो कि जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल संस्था होता है, जो एनजीओ होते हैं। तो पैथन जिसको बनाया है वो एक एनजीओ ने बनाया है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। जब पैथन की साइट अगर खोलेंगे तो वहां पे डोनेट का ऑप्शन आएगा, ना कि बाय का ऑप्शन आएगा। अब डोनेट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि एक एनजीओ संस्था है जहां पे डोनेशन ले सकता है लेकिन दान ले सकता है, बाय नहीं, सेल बाय नहीं कर सकता। इसलिए पैथन बिल्कुल सीखने में आसान है। उसी चलिए पैथन जो है इसके लाइब्रेरीज बहुत सारे हैं, इसकी डॉक्यूमेंट मैंने लाइब्रेरीज में जाइएगा तो बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पैथन से बने हुए कौन कौन एप्लीकेशन अभी मार्केट में रनिंग में है। तो अगर आप गूगल को देखें या पैथन को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखें या चैट जीपीटी को देखें, उसमें मेजरली कुछ चीज कॉमन आता है। जैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं लेकिन कॉमन पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो भी रनिंग में है उसकी लिस्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स एक पॉपुलर जो है क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल ड्राइव है उसी तरह से। तो आपका ड्रॉप बॉक्स गूगल ड्राइव से पहले आया। उसके बाद है इंस्टाग्राम, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो इंस्टाग्राम यूज ना करता हो, ठीक है। यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर भी जो बैक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पैथन का इस्तेमाल किया गया है। गूगल के अंदर भी कुछ इंटरनल टूल्स में पैथन का इस्तेमाल किया गया है। रेडिट, उसके बाद स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उसके बैकएंड में भी बहुत जगहों पे पैथन उपयोग किया गया है। पिंटरेस्ट, नासा की भी जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है डेटा एनालिसिस का जो टूल्स है उसमें पैथन का इंटरनल इस्तेमाल हुआ है। मोजिला फायरफॉक्स, विक्टोरेंट, इबेल ऑनलाइन, सिलाइशन फोर, ब्लेंडर, जुपिटर नोटबुक, ये सारे एप्लीकेशन है तो पैथन से बने हुए हैं या फिर पैथन के बहुत सारे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पैथन से क्या क्या कर सकते हैं। पैथन से सबसे पहले हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप यहाँ पे साइंटिफिक जो कंप्यूटिंग होता है वो, या फिर डेटा एनालिसिस जो होता है उसका यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग जो है या आर्टिफिशियल एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उसका यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में क्या हुआ कि जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो इंटरनली वर्क करता है। मशीन का मतलब हुआ कि कोई मशीन कैसे वर्क करेगा, कोई अगर मशीन बनाते हो उस पे कैसे इंस्टॉल होगा। जैसे कि आप इसको देख लीजिए, क्या बोलते हैं, ड्रोन को। तो ड्रोन जो फ्लाई हो रहा है, फ्लाई में जो लेफ्ट राइट आप उसके सेंसर उनसे काम करते हैं, किससे करते हैं, वो आपके मशीन लर्निंग है, उसी से करते हैं। उसके अलावा अगर हम मान लीजिए कि बहुत सारे लाइट जो है आवाज से बंद होते हैं, आवाज से खुलते हैं, वॉइस कमांड होता है, वॉइस कमांड पे आपके लाइट चल जाते हैं, एलेक्सा वगैरह टाइप का, वो सारी चीजें आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें गेम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आईडीज है, टेक्स्ट एडिटर्स। अब आईडीज क्या होता है, जैसे कि आपके नोटपैड है, हम नोट पैड पे हम नॉर्मल कुछ भी लिख भी सकते हैं, एचटीएमएल की भी कोडिंग कर सकते हैं, सी की भी कोडिंग कर सकते हैं, पैथन की भी कोडिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो है बहुत सारे ऐसे लोग कोडिंग कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज का भी कोडिंग कर सकते हैं, कुछ फाइल टाइप में सेव कर देंगे, सीएसएस में, जावास्क्रिप्ट में, सब में, सबकी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। इसी तरह का टेक्स्ट एडिटर या आईडीज आप बना सकते हैं। नेटवर्किंग एंड वेब सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एचटीटीपी होता है, ट्विस्ट होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल लाइट हो गया, MySQL हो गया, एसक्यूएल के और भी बहुत सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं इसके साथ,
ऑडियो वीडियो का जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो की स्क्रिप्टिंग है वो कर सकते हैं, डेटा विजुलाइजेशन कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, रोबोटिक्स जो इंजीनियरिंग होती है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे है वो इसके साथ कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं, और इसमें ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके आपके आइडेंटिफिकेशन को फाइंड करना, वो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है। ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें कब करेंगे, जब आप पायथन की लैंग्वेजेस को पहले शुरू करेंगे, पहले कोर पायथन, आपके पायथन है क्या उसको सीखना है, फंडामेंटल्स में हम बेसिक एडवांस से कि इफ के बारे में, लूप्स के बारे में, आपको इसके अंदर जो डेटा टाइप्स है डेटा टाइप्स के बारे में, इसके अंदर फाइल हैंडलिंग के बारे में, ये सब चीज के बारे में जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप पैथन की इस लेवल की प्रोग्रामिंग पे नहीं जा सकते। तो अब आपको कोर पैथन सीखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको एप्लीकेशन बिल्डिंग में जाना है, आपको जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जाना है, आपको वेब एप्लीकेशन पे जाना है, या फिर आपको डेटा एनालिसिस में जाना है, मशीन लर्निंग में करना जाना है, गेम डेवलप करना है, और बाकी और भी जो चीजें करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन पहले आपकी कोर पैथन जरूरी है, और कोर पैथन, अब मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा डेटा एनालिसिस से। आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं कि मैं एडवांस एक्सेल एमआईएस डेटा एनालिसिस की चीजों में ज्यादातर डील करता हूँ, जैसे कि एक्सेल पढ़ाता हूँ, डैशबोर्ड पढ़ाता हूँ, पावर बीआई पढ़ाता हूँ, टैबलू पढ़ाता हूँ, एक्सेस पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो रोल रहा है एमआईएस, और एमआईएस लिंक टू डेटा एनालिसिस, इसलिए मैं अपने कोर्स में आपको पांडास के बारे में बताऊंगा जिसमें हम डेटा एनालिसिस के बारे में जाने। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हम क्लासेस के समय देंगे। अब यहां पे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है डाउनलोड पायथन। अब वो क्या करना है, डाउनलोड पायथन, और याद रखिएगा जब पायथन डाउनलोड कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी पे मत जाइएगा। आप देख लीजिएगा यूआरएल क्या है, यहाँ यूआरएल आपको दिख रहा है python.org, मतलब कि /download, ये पैथन की ऑफिशियल साइट है, इस पे चलेगा। और जो लेटेस्ट पैथन दिख रहा होगा उसी को यहाँ से करें डाउनलोड। सर मैं 5 मिनट बोलना चाहूंगी कि बोलिए। क्या आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? नहीं स्क्रीन शेयर नहीं है आपके साथ? नहीं नहीं स्क्रीन शेयर है। अनुज जी ने स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है सर। शेयर्ड है। जन्ना जी आपके साइड से प्रॉब्लम है, आप रीज्वाइन करें। मैं नहीं दिख रही है सर। एक बार रिस्टार्ट कर लो। रिस्टार्ट कर ले, आपके एंड से प्रॉब्लम है, मेरे एंड से प्रॉब्लम रहा था, सबको रहा था ना। ठीक है ठीक है, ट्राई करते हैं। किस सिस्टम से कर रहे हैं, मोबाइल फोन से कर रहे हैं आप? मोबाइल से? नहीं आपको मैंने बोला था ना सिस्टम से क्लास लेनी है। अच्छा, नहीं मैं मोबाइल में भी तो शेयर स्क्रीन दिखता है ना, तो मुझे लगा कि आप मे भी मोबाइल में भी शेयर दिख सकता है, इसीलिए मोबाइल पे भी दिखता है। ऐसा बात नहीं, मोबाइल पे दिखता है, तो हो सकता है कि आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही। आप एक बार टीम्स को बंद कर दिया, आपकी स्क्रीन चेंज हो गया होगा, बैक होता है ना, बैक हो गया ओके होगा सर, आप आपको। कंटिन्यू कीजिए, मैं चेक कर लूंगी। तो यहाँ पे पैथन को डाउनलोड, यहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, कुछ सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। वो अब डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, हालांकि 24 MB का सॉफ्टवेयर है तो जल्दी हो जाएगा। इसमें एक अपग्रेड आता है, एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आता है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, ये अपग्रेड तो नहीं, तो मेरा अपग्रेड दिख रहा है आपके यहाँ पे इंस्टॉल होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे अपग्रेड दिख रहा है। उसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाइएगा, जो चेकबॉक्स होगा सब पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट और इंस्टॉल कर दीजिएगा, ये आपका पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने में कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा, ज्यादा बड़ा टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में नहीं लगेगा। ठीक है, अब 64 बिट है या 64 बिट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिडक्ट कर लेगा। और पायथन जो है आपका विंडोज पे भी चलता है, आपका लिनक्स पे भी चलता है,
आपका मैक पे भी चलता है, जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि अजूरे वगैरह उस पर भी वर्क करता है, तो सदाबहार है, आयुर्वेदिक आयुर्वेद की तरह सब पे चलता है। तो यहां पे आपको अपना पैथम को कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है। अब पैथम इंस्टॉल हो रहा है तब तक इसकी आईडीज मतलब कि हम कोडिंग करेंगे कहां, हमें इसकी आईडी चाहिए होगा। हालांकि इसकी जो आईडीज है इसके साथ आता है, पैथम पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको पैथन आईडीज करके यहाँ पे, अभी तो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने दीजिए तो फिर आ जाएगा, ये रहा, दिख रहा है आइडल पैथन, इस पे करके करके भी अपने कोड को हम रन कर सकते हैं। यहाँ भी हम अपनी जो भी कोडिंग है ये कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट, यहां पे कोड कर सकते हैं सी, यहां पे 30 आ गया ना, यहां भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्रामिंग का सही वे नहीं है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए प्रॉब्लम मैं सलाह नहीं दूंगा कि इसकी प्रोग्रामिंग पे करना है। अब बोले सर आप प्रोग्रामिंग अलग कर रहे हैं, पायथन सॉफ्टवेयर अलग है, देखिए जो पायथन सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पायथन कंपाइलर, ठीक है ना। मतलब जो आप कोडिंग आईडीज में लिखेंगे, जो पैथन जहां प्रोग्राम करेंगे वो पैथन उसको कन्वर्ट करेगा और उसके हिसाब से आपको रन, आपके कोड के हिसाब से रन करके आपको दे, ठीक है। तो झरना जी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अब? नहीं सर, स्क्रीन तो दिख नहीं रहा है। तो आपने रिज्वाइन क्यों नहीं किया? रिज्वाइन तो 3 टाइम की हूँ बट सेम इशू आ रहा है ना स्क्रीन मोबाइल पे, जबकि स्क्रीन में का सारा स्क्रीन शेयर होता है तो दिखता है हमें मोबाइल में, बट ये इस पे शो नहीं कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कुछ बने ब्लैंक शो कर रहा है, ओनली ओनली आपका नाम शो कर रहा है। एसके एक मैं 3 टाइम के लिए ना नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आप बोलिए, मैं आप पीपीटी मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं एक बार आप मोबाइल को रीस्टार्ट करें फिर ज्वाइन करें, ठीक है। ओके 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 कोई एपीके में फंसा होगा, मोबाइल को रीस्टार्ट करें। ओके 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 चलिए, तो यहां हमने पैथन डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद मुझे करना है क्या करना है, इंस्टॉल करना है वीएस कोड। हालांकि बहुत सारे है जैसे एडोकांडा वगैरह भी है, बहुत सारे इसके आईडीज हैं। अब आईडीज की बात करें तो आपको यहाँ पे मैंने कि बहुत सारे आईडीज मिलेंगे आपको, तो आईडीज लिस्ट पे एक बार आते हैं। अब आईडी लिस्ट पे आते हैं तो आईडी लिस्ट पे जो है हमारे पास बहुत सारे आईडी लिस्ट है जिसके जो हम कर सकते हैं, जैसे पाइचाम क्योंकि सबसे पॉपुलर बहुत है शुरुआत में, तो यहाँ पे पाइचाम्स चार्म जो है पाइप चार्म के जरिए भी आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइचाम्स के जरिए। पाइचाम्स के बाद हम बात करें तो यहाँ पे वीएस कोड जो कि मैं यूज करूंगा अपने कोर्स में, क्योंकि मैं वीएस कोड और माइक्रोसॉफ्ट के साथ रहा हूं और विजुअल स्टूडियो वगैरह पे काम किया हूं, तो मेरे लिए वीएस कोड जो है वो थोड़ा सही होता है, क्योंकि ऐसे भी माइक्रोसॉफ्ट का है तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी थोड़ी कर सकता है। वीएस कोड के अलावा आप यूज कर सकते हैं स्पाइडर, स्पाइडर भी जो है आपका आइडल की तरह यूज होता है, और आइडल तो है ही। उसके बाद आता है जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक का भी यूज कर सकते हैं आप, ये देखिए स्पाइडर यहाँ पर, स्पाइडर का भी यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे जुपिटर नोटबुक,
जुपिटर नोटबुक का भी यूज कर सकते हैं आप पाइथन के लिए। फिर आता है एटॉम आता है, एटॉम जो है भी यूज कर सकते हैं। एटॉम नहीं, तेरा एटॉम भी आप डाउनलोड कर यूज कर सकते हो। एटॉम के बाद यहां पे एक और आता है समलाइन टेक्स्ट, हालांकि इसका यूज कभी किया नहीं मैं, लेकिन लिस्ट में है तो मैं बता देता हूं, ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है एक थोनी, थोनी बोलते क्या बोलते, थोनी बोलते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इरिक होता है, एक इरिक करके भी आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आता है कमोड, कमोड का भी यूज कर सकते हैं। सर बैस्ट और इजी कौन सा इसमें से? क्या सर मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं भी बता रहा हूं, एक एनोकोंडा भी आपका है, एनोकोंडा का स्थान भी कर सकते हैं। अब देखिए वन बाय वन चलते हैं, पाइचाम को देख सकते हैं, पाइचाम का भी इस्तेमाल किया जा सकता ठीक है। विजुअल स्टूडियो है ये आपका, ये स्पाइडर है, ये आपका जुपिटर है, ये आपका एटॉम है, ये आपका समलाइन है, ये आपका थॉन है, थॉनी है, उसके बाद ये आपका इरिक है, और इसके बाद ये आपका कम्बोड है, इसके बाद आता है एनाकोंडा ठीक है। लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा और आपको सलाह दूंगा जो मैंने पूछा है वो करूंगा वीएस कोड को, या पाई चार्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीएस कोड करें या पाई चार्म भी यूज करें, पाई चार्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पीसी जो की स्पेसिफिकेशन कम है तो पाई चार्म का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाई चार्म का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन पाई चार्म की भी सलाह मैं नहीं दूंगा, मैं सलाह दूंगा विजुअल स्टूडियो का ठीक है। तो यहां से आपको डाउनलोड करना है आपको विजुअल स्टूडियो, और जैसे नॉर्मली आप रन करते हैं, यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो गया, नॉर्मल जो रन करते हैं उस तरह से नॉर्मल आप अपना सिस्टम में इसको रन कर, तो आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, पहला वीएस कोड, दूसरा पाइथन ठीक है, इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है राइट। अब वीएस कोड जब आप रन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपका वीएस कोड ओपन ठीक है। इस तरह से तो सबसे पहले आपको यहां जो दिख रहा है एक एक्सटेंशन दिख रहा है इस पे जाना है, क्योंकि वीएस कोड आपने ओपन तो कर लिया है, बट ये पाइथन के लिए थोड़ी है, वीएस कोड में तो हम हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सिर्फ पाइथन के लिए नहीं बना हुआ है, इसलिए यहां से आपको पाइथन सर्च करना पड़ेगा, कहां पे जाके एक्सटेंशन, यहां एक्सटेंशन दिख रहा है, एक्सटेंशन में जाके पाइथन सर्च करना है, और यहाँ पे सर्च लिस्ट आ जाएगा, बहुत सारे पब्लिशर दिखेंगे, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिशर है उसको सेलेक्ट कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लिए, हालांकि इंस्टॉल है आप यहां पे इंस्टॉल कर लिए ठीक है। जब इसको इंस्टॉल आप कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद यहां न्यू दिख रहा है, इससे पहले आपको ओपन फोल्डर पे जाना हो, कहां जाना होगा ओपन फोल्डर, उसके बाद क्या करना है आपको कि अपना अपने फोल्डर में कोई एक फोल्डर बना लीजिए, जैसे मैं यहां एसएल के अंदर राइट क्लिक किया, न्यू पे गया और यहां पाइथन का एक फोल्डर बना दिया। अब मैं जब भी इसके अंदर आपका जो बैच है 10 PM, अब मैं जो भी प्रोग्रामिंग करूंगा ना इस फोल्डर के अंदर वो बाय डिफॉल्ट सेव होना चाहिए ठीक है।
बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि वीएस कोड, अब आपने क्या किया, आपने तीन स्टेप फॉलो किए। पहला आपने क्या किया, आपने पहला पाइथन डाउनलोड करके सिस्टम इंस्टॉल कर। नायक जी कुछ पूछना है आपको? मेरे आवाज आ रहा नहीं सर, मुझे लगा था कि शायद वीएस कोड पेड़ है क्या, इसलिए पूछना। पेड़ है क्या? क्या पेड़ पूछते हैं सर? ठीक है, आना था जी, 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट बंद होगा। हाँ 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट बंद होगा। तो ये आपको तीन स्टेप फॉलो करने हैं। पहला पाइथन का, पाइथन इंस्टॉल करना है जो कि फ्री है। दूसरा वीएस कोड इंस्टॉल करना है, वो भी फ्री है, इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं। तीसरा वीएस कोड के अंदर अगेन एक्सटेंशन में जाके पाइथन इंस्टॉल करना है। नोट करना है तो तीन चीज नोट कर, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तीन चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है, देन वीएस कोड इंस्टॉल करना है, देन वीएस कोड के अंदर पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट कीजिए अपने सिस्टम में। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप जो है यहां पे फाइल के अंदर जाए, हालांकि यहां पे दिखेगा पर सिंपल सा फाइल के अंदर जाइए, ओपन फोल्डर, और अपना लोकेशंस पे आइए जहां आपका फोल्डर अभी मैंने क्रिएट किया है, एसएल के अंदर, पैथम के अंदर, टेंपियर, और सिलेक्ट फोल्डर कर दी। अब यहां पे यस आई ट्रस्टेड ऑथर कर दीजिए। अब यहां पे जो भी प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम मेरा बनेगा, ठीक है, यहां पे प्रोग्राम। हेलो, ठीक है सर। सर वो एक्सटेंशन कहां मिलेगा, एक बार दोबारा बता सकते हैं? यहां दिख रहा है? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब हो सकता है कि आपके सिस्टम में डाउनलोड करते समय कुछ दिक्कत हो, ठीक है। तो डाउनलोड करते समय जब भी आप इंस्टॉल करेंगे ना, जहां पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आया था, एक मिनट मैं दिखा देता हूं। जो मैंने एक चीज ध्यान रखिएगा, इंस्टॉल करते समय एक छोटा सा चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पैथन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे मॉडिफाई रिपेयर अनइंस्टॉल आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ तो ए, या फिर यहाँ तो आप मेरे पास मॉडिफाई आता है, लेकिन जब भी आप इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके पास जो आएगा ना यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टॉल नाउ। इसके बाद नीचे दो चेकबॉक्स आएंगे, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर एंड एड पाइथन 3.6 है, जो भी एक्सटेंशन होगा उस एक्सटेंशन का नाम दिया जाएगा, जो भी वर्जन होगा वर्जन टू पार एड पाइथन 3.6 या जो भी पाइथन जो भी होगा जो इंस्ट्रक्शन होगा 3.9 थी। हमने डाउनलोड क्या किया है, एक मिनट देखते हैं पैथन में आके। तो वहां पे 3.11 लिख के आएगा, 3.11 एड टू पाथ। इस पे चेकबॉक्स पे जरूर क्लिक करना है हमें, अब मुझे अनइंस्टॉल करना होगा, अनइंस्टॉल करने पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पे एड पाइथन टू पा, एक मिनट आते हैं इमेज पर। यहां मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पे जरूर चेक करना, ठीक है। याद है इसका ध्यान रखिएगा, इस पे जरूर कीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, नॉर्मल इंस्टॉल आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पे आइडल को ओपन कर लीजिए, और आइडल ओपन करके देख लीजिए सबसे ठीक ठाक आ रहा है, सब ठीक ठाक है। आइडल को क्विट करना है यहाँ पे, हालांकि यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं QUIT क्विट ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर मारेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्विट कर सकते हो, ठीक है।
बात आती है पाइथन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना। जी हाँ, पाइथन के लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना। एक लाइब्रेरी हम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर आप यहाँ से जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट है वहां से भी कर सकते हैं, तो या आइडल से भी कर सकते हैं। तो यहीं पे चलते हैं, one.py नाम से हमने एक पाइथन फाइल बना, ये बन गया, ये आपका पाइथन फाइल बन गया। अब एक बार यहां से रन रन विद पाइथन फाइल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर रन पाइथन फाइल आएगा, तो रन पाइथन फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपका टर्मिनल खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा? टर्मिनल। बोलिए सर, ये विजुअल स्टूडियो के लिए हार्ड डिस्क में कितने मेमोरी की आवश्यकता होगी? प्रशांत बोल रहा हूँ। प्रशांत जी, जितनी मेमोरी की अवस्था होगी वो आपके पास होगा, क्योंकि जनरली आप 500 जीबी से क्या रखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ तो वो मेरे को जो है 7 जीबी मांग रहा है। हाँ, 7 जीबी मांग रहा है, तभी मांगे ना, 7 जीबी तो बहुत कम है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ सर, आजकल नए कंप्यूटर में 500 जीबी आ नहीं रहे ना, नए कंप्यूटर में 250 जीबी आ रहे हैं। हाँ, वो पिछले क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हो गया ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैंने तो 1 TB वाला लिया है। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना हो, जैसे बताया था ना आपको नमकी या XLRD पांडा, वो कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि आपने पैंथर इंस्टॉल कर दिया तो आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हो। तो यहाँ टर्मिनल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए पिप, ठीक है ना, और पिप में यहाँ कीजिए इंस्टॉल, जैसे हमने कह दिया NIM NumPy, एंटर प्रेस की। अब यहाँ पे क्या है कि NumPy इंस्टॉल हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि एम यहाँ पे python.exe एम अपग्रेड पिप कर सकते हैं इसको, ठीक है, और नम फाइल को अपग्रेड कर देगा, ठीक है, देखिए अपग्रेड कर रहा, तो यही पे सब कर लीजिए। इसको आखिर हम पावर सेल या जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं, पावर सेल और कमांड प्रॉम्प्ट होता है CMD, उसके जा सकते हैं। तो यहाँ पे CD और यहाँ पे C/#, करके नीचे आते हैं चेंज ड्राइव। अब यहां पे करते हैं इंस्टॉल, इंस्टॉल मान लीजिए हमने कर दिया पांडा, पिप देना भूल गया, माफ कीजिए, पिप देना होता है, पिप इंस्टॉल पांडा, ठीक है, दिख रहा है सर। तो यहां पे ऑलरेडी बता रहा है कि ऑलरेडी इसमें है पांडाज, इसमें ऑलरेडी है, तो यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहां से। देखिए यहां पे थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे बता देता है कि भाई आप फलाना कर लीजिए, यहां पे बता रहा, यहां पे आपको पावर सेल में, कहां गया पावर सेल, पावर सेल में नहीं बता रहा ना कि आपको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड के लिए कोड लिए, एक कमांड डालिए, वो कमांड डालिए, नहीं बता रहा, बट यहां पे आपको बता देता। तो ऐसे आपको क्या इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल करना है NumPy, NumPy के बाद आपको पांडास करना है, देन आपको करना है यहां पे पिप इंस्टॉल XLRD। एक्सेल फाइल को हैंडल करने के लिए XLRD की जरूरत पड़ेगी, तो आपको XLRD करना, XLRD ऑलरेडी है और इसका अपग्रेड नहीं आया है, तो अपग्रेड के लिए यहां पे मना कर दिया कि अपग्रेड नहीं होगा। ऐसे आप मैटलिब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसके लिए क्या यूज होता है। देखिए इसमें NumPy की हम बात करें तो NumPy जो होता है वो मल्टी डायमेंशन एरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि न्यूमेरिकल पैथन पैकेज, इसको NumPy का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पैथन पैकेज होता है। पांडास का यूज डेटा एनालिसिस के लिए होता है, XLRD का यूज होता है एक्सेल फाइल को रिट्रीव करने के लिए, डेटा रिट्रीव फ्रॉम द एक्सेल स्प्रेडशीट इसको रिपीट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम मैटलाइब को करते हैं, इसका यूज होता है 2D ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि जब डेटा विजुलाइजेशन करेंगे तो चार्ट वगैरह बनाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको चाहिए होगा मैटलिब, तो यहाँ पे कीजिएगा पिप मैट प्लॉट लिब, और सॉरी यहाँ इंस्टॉल करना भूल गया, यहाँ बीच में इंस्टॉल लिखना होगा इंस्टॉल, ठीक है, और यहाँ पे रन कीजिए ये आपको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, ऑलरेडी है तो इंस्टॉल करने की उसकी जरूरत, ऐसे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे पैकेजेस कितने तरह के पैकेजेस है कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको ढूंढना होगा आइडल में, आइडल में जाइए और यहां पे आपको क्या लिखना है हेल्प हेल्प, और हेल्प में हमारी हेल्प एंटर मार देते हैं तो जो हेल्प वगैरह होगा हेल्प खुल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स पे लिख के एंटर मारा, जो जो मॉड्यूल्स है यहाँ पे आपको दिखा दिए, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमें लिखना है हेल्प हेल्प इन द ब्रैकेट, हमें लिखना है इन्वर्टर कॉमा में मॉड्यूल्स मॉड्यूल मो, और इसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग कीजिएगा इसमें कीजिएगा स्मॉल लेटर में, अच्छा हेल्प होना चाहिए, अच्छा हेल्प हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, तो क्या सुबह से पढ़ा रहा हूँ ना सर, रात के 11 बजने वाले हैं तो जाहिर सी बात है मेरी हालत खराब धीरे धीरे होगी ही होगी, तो प्लीज वेट मोमेंट, ये सारा का सारा डाउनलोड कर रहा है, और ऐसे डाउनलोड करता है सही सर, बस बारी बारी से बता दीजिए कि पहले नंबर पर पाइथन, दूसरे नंबर पाई चार, इसके बाद तीसरे पे कौन था, चौथे पे कौन था। मैंने आपको बताया कि सब यहाँ पे आ गया, सो ये रहा, देखिए आपको पहले नंबर पे आपको पहले क्या करना है, पहले करना है आपको पाइथन, दूसरे वीएस कोड, ठीक है, तीसरे में आपको करना है वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशन में जाके आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है, ये तीन चीज इंस्टॉल करना है, देन आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर को ओपन करना है इसके अंदर पाइथन के अंदर, उसके बाद आप एक पाइथन फाइल बनाए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, या न्यू यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, और डॉट वन डॉट पी आई या फिर फर्स्ट फाइल डॉट पी आई, फाइल नेम बस एक्सटेंशन पी आई डालिए, उसके बाद रन कीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका टर्मिनल आ जाएगा। अब इस टर्मिनल में आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, पैकेजेस में क्या क्या इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है नमपाई, दूसरा इंस्टॉल करना है पार्टास, तीसरा इंस्टॉल करना है एक्सएल आर डी, चौथा इंस्टॉल करना है मैट प्लॉटलिब। इसके अलावा आप आइडल में जाके आप हेल्प मॉड्यूल करेंगे तो जितने भी है आपके पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज है, वो तो उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ आ जाएगा, देख ठीक है, पूरा यहाँ पे इंस्टॉल आ जाएगा, हालांकि लिस्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको ध्यान नहीं देना, पर यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना कर लीजिए, बाकी और जो इंस्टॉलेशन वगैरह होगी हम आगे क्लासेस में आपके साथ करते रहेंगे, इतना करके आप मंडे तक रेडी रखिएगा, मंडे को हम आपकी प्रोग्रामिंग को करेंगे शुरू। फिलहाल आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है, टाइम निकाल के आपके पास टाइम आता है, कुछ चीजें हम आपको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, बेसिक चीजें हैं सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ क्लास के बाद इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग।